अद्विक को ब्लड कैंसर है। उसके माँ बाप उसके इलाज कराने में असमर्थ हैं। इन्हें आपकी एक छोटी सी मदद की जरूरत है। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाएं और अद्विक की उम्मीद बने। कोरोना महामारी का संकट अपने चरम पर है। प्रदेश में लॉकडाउन है, लिहाजा कई लोगों के रोजगार पर भी ताले लगे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा संकट है तो रोटी का। लोगों का पेट भरने के लिए नेताओं से लेकर समाज सेवी तक हर संभव कोशिशें की जा रही है। प्रदेश में पूर्व सीएम के समर्थकों ने वसुंधरा जन रसोई की शुरुआत की है। धौलपुर जिले में वसुंधरा जन रसोई के माध्यम से करौली धौलपुर सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के समर्थकों द्वारा गरीबों और बेसहारा लोगों को भोजन के पैकेटों का वितरण किया गया। देखिए, राजस्थान में ही पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सेवाई संगठन के तहत पूरे राज्यों में पूरे जिलों में प्रत्येक नेता और कार्यकर्ता के द्वारा सेवाई संगठन के कार्य किए जा रहे हैं। इसी के तहत संगठन के विभिन्न बूथ से लेकर और राष्ट्रीय स्तर तक कार्य हो रहे हैं। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमती वसुंधरा राजे जी के नाम से राजस्थान जन रसोई का के माध्यम से यहाँ धौलपुर के अंदर रोजाना सैकड़ों लोगों को मुफ्त में भोजन वितरित किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता इस कोरोना के संकट काल में जनसेवा के अपना मिशन मानते हुए कार्य करते हैं और प्रत्येक व्यक्ति से मेरा आग्रह रहेगा कि जिस प्रकार से जनसेवा का कार्य कर रहे हैं, इस प्रकार से सभी लोगों को आगे आकर इस कोरोना काल के संकट में जनसेवा के ऐसे कार्यों के लिए आगे आना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के साथ कदम से कदम मिलाकर कोरोना काल में सांसद महोदय भले ही भलाई का काम कर रहे हों, मगर इस भलाई में कोरोना नियमों की किस तरह धज्जियां उड़ी तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है। ना तो बांटने वालों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग और ना ही लेने वालों के बीच। पेट भरने के लिए खाने पर टूटते इन लोगों ने कोरोना के नियमों को भी ताक पर रख दिया। जनता तो जनता ठहरी, सांसद महोदय ने भी ना तो किसी से अपील की और ना ही नियमों की पालना की कोशिश करवाई। राजस्थान तक के लिए ढोलपुर से उमेश मिश्रा की रिपोर्ट।